हाय गाइस, अगर आप जानना चाहते हैं बैकग्राउंड ब्लर कैसे करें मोबाइल से, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए इस फोटो को पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ले चलते हैं। जाने के बाद कट आउट पर क्लिक करके बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेंगे। बैकग्राउंड देखिए इसने अच्छे से सिलेक्ट कर लिया और थोड़ा सा पार्ट इरेज कर लेते हैं, मतलब शैडो के लिए। देखिए सब इसको सेव कर लेते हैं। फिर एक बार अंडू करके कटआउट पर जाके पर्सन को सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए जो जो पार्ट ज़्यादा लग रहा है उसे इरेज कर लेते हैं, एक्स्ट्रा सिलेक्ट हो गया है ना, इरेज हो गया। नीचे का हल्का हल्का ले रहे हैं, आप लोग इरेज आराम से बिल्कुल टाइम देके करिएगा, धीरे धीरे। वीडियो फास्ट है हमारी थोड़ी, क्योंकि ज़्यादा लंबी हो गई थी वीडियो, इसलिए हमने फास्ट कर दिया। ये हो गया और सेव पर क्लिक करके सेव कर लेते हैं। फिर चलते हैं स्नैपचैट एप्लीकेशन। हमें उस फोटो को लेना है जिसमें बैकग्राउंड सिर्फ है, और यहाँ पर देखिए नीचे लेंस ब्लर का ऑप्शन रहता है, उसको क्लिक करके नेट को कम कर देंगे पूरा और ब्लर को थोड़ा बढ़ा देंगे। देखिए मस्त दे रहा है, बिल्कुल DSLR की तरह। थोड़ा अपने फोटो के हिसाब से इसको चेंज कर लीजिएगा। बस हो गया, तब इसको सेव करके फिर ले सकते हैं पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। पिक्सआर्ट में आने के बाद ड्रॉ टूल को सिलेक्ट करते हैं और एक लेयर फोटो लेयर बनाते हैं अपनी पुराने वाली पिक को, ओरिजिनल जो है सिलेक्ट करके उसको नीचे ले आएंगे। फिर अपने PNG वाले मॉडल को ऐड करेंगे, इसको ऊपर ही रहने देते हैं। नीचे वाले लेयर को सिलेक्ट करके इरेजर पे जाके इसको इरेज कर देंगे। साइज अपना देख लीजिएगा अपने हिसाब से, हार्डनेस कम कर दीजिएगा, धीरे धीरे आप लोग करते रहिएगा और रहना। बिल्कुल धीरे धीरे, हाँ अच्छे से आप लोग इसे टाइम देके करिएगा। देखिए बस लास्ट स्टेप हो गया। अब डन पे क्लिक करके फ़ोटो को गैलरी में सेव कर लेते हैं। और गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।